जिन लोगों को गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है ना, ध्यान से सुने इस बात को कि नो अमाउंट ऑफ पावर इज रिक्वायर्ड और नीडेड टू शाउट एट समवन व्हेन योर एंगर कम्स। मतलब किसी प्रकार की कोई ताकत की ज़रूरत नहीं होती वहाँ पर जब आपको गुस्सा आता है और आप बहुत ज़्यादा चीखते हैं और चिल्लाते हैं किसी दूसरे के ऊपर, बल्कि ताकत उसमें होती है कि गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है, मन बहुत ज़्यादा कर रहा है, विचलित हो रहा है चीखने का, चिल्लाने का, रिवेंज लेने का, लेकिन फिर भी आप रिवेंज नहीं लेते हो, आप गुस्सा नहीं करते हो, आप खुद को शांत करते हो, अपने आप को स्थिर करते हो, अपने मन को ठंडा करते हो, ताकि आप अपनी ज़िंदगी में उस गुस्से को कंट्रोल कर सको। दिस इज़ द टेस्ट ऑफ योर विल पावर। तो मैं आप सबसे कहूँगा कि अगली बार जब गुस्सा आए ना, चीखने चिल्लाने से कहीं ज़्यादा बेहतर है कि आप खुद को शांत करें। ये अपने आप में अपनी इच्छा शक्ति यानी कि अपनी विल पावर को टेस्ट करने का सबसे अच्छा मौका है कि क्या आपकी ज़ुबान आपके कंट्रोल में है कि नहीं है। और एक बात और मैं आप सबसे कहना चाहूँगा, ये ज़ुबान बड़ी तीखी होती है, इस पर मिर्च लगी होती है जब गुस्से में होती है, तो इस ज़ुबान से ना ऐसे ऐसे शब्द निकल जाते हैं जो ज़िंदगी में रिश्तों को ख़राब कर देते हैं। तो मैं आप सबसे कहूँगा कि अगर आप नहीं चाहते कि आपके रिश्ते ख़राब हों और धीरे धीरे खोखले और ख़त्म हो जाएं, तो बेहतर है अपने गुस्से को काबू करें, अपने गुस्से को रिलीज़ करें, फिर आप उसे रिंग में जाकर रिलीज़ करें, आप जिम में जाकर रिलीज़ करें, सारी एनर्जी को योगा में रिलीज़ करें, कहीं पर भी करें, रिलीज़ करें, ताकि आप अपनी ज़िंदगी में अपने रिलेशनशिप्स को भी बेहतर बना सकें और उन्हें गुस्से से ख़राब और खोखला ना करें। थैंक यू सो मच। बी श्योर, बी ग्रेटफुल।